बिहार का मुंगेर लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और चर्चा इस कारण से हो रहा है क्योंकि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में दो बड़े चेहरे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने महागठबंधन के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के ऊपर दाव खेला है, तो वहीं एनडीए की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे चहेते और कद्दावर नेता ललन सिंह मैदान में हैं। कहा जाता है कि अनंत सिंह जिस तरीके से बाहुबली हैं, तो वहीं ललन सिंह के भी कई ऐसे मित्र हैं और सहयोगी हैं जो बाहुबली तो हैं ही, साथ ही साथ ललन सिंह के चुनाव में जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक बाहुबली सुनील पांडे, हम इनसे बात करते हैं कि मुंगेर लोकसभा जो क्षेत्र है वहाँ की जनता किस तरीके से देख रही है अनंत सिंह वर्सेस ललन सिंह की लड़ाई को। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ और अपने पार्टी की तरफ से हमने मुंगेर के कई क्षेत्रों का दौरा किया और मुकामा में जो कार्यक्रम अभी हुआ है और जो उत्साह हमने देखा है लोगों में, उसमें कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं। वैसे लोग ने चर्चा बना दिया है लेकिन वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग काफ़ी देर तक से माननीय मंत्री जी के साथ, हमारे पार्टी के पूर्व सांसद सूरज भान सिंह थे और भी साथी थे, लेकिन जो जनता का उत्साह देखने को मिला है वो नीचे की लड़ाई लोग नहीं देख रहे हैं, वो सीधा ऊपर की लड़ाई देख रहे हैं, देशभक्ति की बात सोच रहे हैं और उनका सीधा व्यू है कि इस बार मोदी की सरकार बननी चाहिए और निश्चित तौर पे बनेगी इस मुद्दे के साथ। और ख़ास तौर पे नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, जो सुशासन का राज स्थापित उन्होंने किया है, इस मुद्दे पर मतदान हो रहे हैं। तो महागठबंधन में जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं एनडीए के लिए, क्योंकि एलजेपी से जो बड़ी भूमिका है दिख रही है, जेडीयू की बड़ी भूमिका है, सांसद बीजेपी के भी जो भूमिका, उसमें अनंत सिंह की लड़ाई जिस तरीके से ललन सिंह के द्वारा की जा रही है, ललन सिंह बार बार यह कह रहे हैं कि जमानत जब्त होने के बाद दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनकी बात, क्योंकि आप लोग जाते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो आपसे कई सवाल होते हैं। देखिए, हम लोग क्षेत्र का जो दौरा कर रहे थे, लोगों में एक भय की स्थिति जो व्याप्त पहले थी, अब इस बार भयमुक्त होकर के लोग मतदान करेंगे। लोगों का मानना यह है कि हम लोगों ने बहुत दिन तक से बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित तौर पे यहाँ के उम्मीदवार माननीय मंत्री ललन सिंह जी को निश्चित तौर पर हम जिताने का काम करेंगे। और अगला जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसकी कोई अस्तित्व है ही नहीं, उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे हम लोग जो है चुनाव हराने का काम करेंगे। पीएम मोदी भी आज बिहार में है, राहुल गांधी भी बिहार में है, तो क्या लगता है कि दोनों की जो लड़ाई है वो कितना इफेक्टिव होगा? क्या लगता है कि देश की जो जनता है, या फिर आपके गठबंधन की बात कर रहे हैं तो सवाल उठते रहे हैं, समाज के कई वोटर या कई नेता भी थोड़ा सा नाराज चल रहे थे पहले, और दूसरे फेज में तो सीधे तौर पर दिखा कि एक कास्ट बहुल के जो मतदाता है वो नाराज एनडीए के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनको कैसे संभाल पाइएगा? क्योंकि मुंगेर की बात करें तो जिस तरीके से जो लड़ाई है, अनंत सिंह की लड़ाई है, सीधे तौर पर ललन सिंह लड़ाई, तो एक जाति विशेष की भी लड़ाई हो गई है और वह इलाका पूरे तरीके से बाहुबल का भी आता है, तो आनंद सिंह की जो छवि है उस इलाके में, उसको लेके फिर कैसे आप भुना पाइएगा, फिर कैसे उनका कार्ड खोज पाइएगा? देखिए, सुशासन की सरकार है और इस सुशासन की सरकार में अनंत सिंह जैसे लोगों का कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब जनता ने मन बना लिया है। हाँ, जहां तक से आपने कहा कि एक समाज और एक वर्ग की कुछ शिकायतें रही है, लेकिन सब लोगों ने अपने आप को उस शिकायत से दूर करते हुए सीधे तौर पे मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं। और यहाँ जो राहुल जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन में इतने मतभेद हैं कि पहले तो आपस में नेता ही तय नहीं हो पाया है कि नेता कौन है और किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। और हमारे यहाँ एनडीए में निश्चित तौर पर दो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और दोनों ने इस देश और इस राज्य में इतना विश्वास स्थापित करके जनता के बीच में दिखाया है कि अब, बल्कि हम लोकसभा की बात नहीं करें, हम यहाँ के राज्य सरकार की भी बात करें और विधानसभा के चुनाव के भी मैं बात करूं, तो भारी बहुमत से दोनों जगह सरकार बनेगी। अनंत सिंह बाहुबली छवि के हैं, क्षेत्र में जिस तरीके से कहा जाता है कि वो इलाका भी अनंत सिंह का रहा है, और अब तीन तीन बाहुबली ललन सिंह के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बाहुबल जनता के बीच में किसकी ज़्यादा लोकप्रियता होगी, किस बाहुबल पर जनता भरोसा करेगी कि यह जो बाहुबली होगा वो मेरे हित के सोचेगा? देखिए, अब बाहुबल का कोई स्थान रह ही नहीं गया है। एक वक्त था, उस वक्त लोगों के बीच में एक भय व्याप्त था और ख़ासतौर पर राजद की जब सरकार थी
तो बहुत लोगों का उसमें जो है उत्थान हुआ, जो राजद के सरकार में एक वर्ग विशेष से उनकी लड़ाई चलती रही। और अब चूँकि उनकी सरकार नहीं है और जनता ने उधर से मुंह मोड़ लिया है, तो हम समझते हैं कि अब निश्चित तौर पे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता और अपना एक सही उम्मीदवार एक विकास के नाम पर, और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी माने जाते हैं, भाई ललन जी भी जो हैं उन्होंने भी पूरे बिहार में बहुत सारा विकास किया है, इसलिए जनता को अब विश्वास पे भरोसा है न कि बाहुबल पे। मुंगेर की जो जनता है वो क्या खोज रही है, क्या लगता है कि क्या जिस तरीके से विकास की बात की जा रही है मुंगेर का विकास हो पाया है? देखिए विकास तो हुआ है, 4 लेन बने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पे हुए हैं, बहुत सारे विकास हुए हैं, इरीगेशन के विभाग के माध्यम से देखें या RCD विभाग के सड़क के मामले में देखें तो बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन कुछ विकास से पार्ट अछूता जरूर रहा है। और वहाँ लोगों की एक मांग है कि हम लोग काफ़ी सुदूर क्षेत्र से आते हैं, बाढ़ का इलाका होता है, सिंचाई की समस्या में परेशानी होती है, तो इस बार निश्चित तौर पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के उस क्षेत्र का विकास कराएगी। एक आखिरी सवाल, NDA की सरकार जिस तरीके से केंद्र में है, लेकिन मुंगेर जाने वाले रास्ते में एक जो मुख्य सड़क है वो आए दिन जाम की समस्या से लोगों जो तमाम जो लोग हैं उन्हें रूबरू होना पड़ता है, तमाम जो लोग फंस जाते हैं, तो क्या लगता है कि अभी प्राथमिकता होनी चाहिए? निश्चित तौर पर हम लोग जहाँ भी कार्यक्रम में जा रहे हैं हम लोग भी जाम से जूझ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चूँकि जब 4 लेन बन रहा है तो तत्कालिक जो है जाम की समस्या ज़रूर है, लेकिन बहुत कम दिनों में जब सड़कें बन जाएगी तो जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द जो है लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पे प्रथम वित्तीय वर्ष में ही मुंगेर की लोकसभा के लोगों को विकास की तस्वीर नज़र आने लगेगी। आखिरी सवाल, अनंत सिंह को कहाँ देखने इस पूरे लड़ाई में? कहीं नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें कहीं लड़ाई है ही नहीं। पहले तो मैं ये बतला दूं कि इतने दिन चुनाव चल रहे हैं, अभी तक से एक भी नेता मुंगेर लोकसभा में अपना कदम नहीं रखा है, क्योंकि सारे नेता जान रहे हैं कि यहाँ चुनाव हारना तय है, तो अपनी मिट्टी पलीद कराने के लिए वहाँ जाना बेकार है। मतलब पहले ही लोग हार चुके हैं महागठबंधन? निश्चित तौर पर महागठबंधन तो पहले ही चुनाव हार चुका है, वह स्वीकार कर चुका है, इसलिए कोई नेता जा भी नहीं रहे हैं। और चूँकि जनता वहाँ की इतनी उत्साहित है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और दिल्ली में सरकार के प्रति कि मोदी जी की पुनः सरकार बने, देशभक्ति के नाम पर सब किसी में जात पात भेदभाव से सब ऊपर उठ करके इस पर मतदान करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ फोरेशन से। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लड़ाई मुंगेर का दिलचस्प जरूर है, लेकिन लड़ाई में जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं NDA के जो उम्मीदवार हैं उनका दावा यह है कि इस बार लड़ाई में सामने कोई नहीं होगा, क्योंकि मुंगेर की जनता सीधे तौर पर विकास के मुद्दे को अपनाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा और PM नरेंद्र मोदी का चेहरा ही विकास है और वही NDA का मूल मंत्र है। सहयोगी मनीष के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।